बोलिए कृष्ण भगवान की। अरे रुकी मेरी तू लई आलो पालो नहीं ओरी बहन एक कारो कारो तो रुक्मिणी को ले गो और जमाने जमाने जैसो हतोरो जैसो बिल्कुल काजर उतकारो न जाने दारी काय पे मर गई। अरे रुक मेरी नहीं गजब कर करो एक लमहे किसी को समय भगवान श्याम सुंदर कन्हैया को लेकर के चले। भगवान कन्हैया जब रुक्मणी को लेकर के आगे को जा रहे हैं इतने में जो सखियां हैं वो आंगन में पहुंची तो रुक्म ने पूछा लड़की हो रुक्मणी कहाँ है। कहने लगी भैया एक कारो कारो हतो जमाल काजरऊ तिकारो और वो वाने वो हाथ पकड़ो वो कूद के चली गई। बाने जवन ने कहा पैर फड़फड़ाए एक बोली तारी चुप रहे बाग कछु पहले से ही। हाँ। अब रुकम ने सेना सजवाई सेना को सजवा के पीछे पीछे जा रहा है। रुकम आवाज लगा रहा है एक कन्हैया पहले से माखन चुराता था लेकिन अब ये लड़कियां चुराए को काम कम से शुरू करो है। भगवान कन्हैया बोले हैं रुक्मणी भैया जवाब दे रहा है रोक लू। रुक्मणी बोली न न न न न रुकियो मती क्यों कि तुम अकेले हो मेरे भैया के संग में देखो कितनी फौज आ रही है। और एक बात सुन लो अरे मेरो भैया चवर हलुके हो सैया बात जइयो साजु मेरो भैया जबर है तुम हलुके हो रहने तो चलो चले चलो चले चलो क्यों भैया के साथ में देखो कितनी फौज है देखो भरे के भरे जगरे चले आ रहे हैं। अरे भैया के संग में फौज खड़ी है सामने सैया मुसीबत खड़ी है मेरे सैया हलके पलके हो दादा पान जइयो मेरे सैया मेरे भैया जब तक पलके हो सैया और एक बात और सुन लो क्या मेरे भैया से युद्ध मत करो क्योंकि बहुत तगड़ा है। रुक्मणी की सोच रही है कहूं ऐसो ना होए कि हमें सासु की देहरी हो देखे ना मिले भाई सुपहले हाँ कछु गड़बड़ न हो जाए। बोली रुक्मणी साजन अरे जो भैया
भी छोड़नो पड़े हो और तुम्हें अपने प्राणों को भी तजना पड़ेगा। भगवान श्याम बोले ऐसे नहीं ले जा सकते हैं हम। भगवान कन्हैया रथ को रोक लिया, जब रथ को रोका एक साथ सारी सेना रूरी है, भगवान कन्हैया ने सारी सेना को परास्त किया। अंत यह हुआ कि रुकुम को पकड़ लिया, मारना चाहा, रुक्मणी पैरों में गिर पड़ी। प्रभु बोली न मारिए, क्योंकि ये मेरी माँ जाओ भैया है, भैया की बखत परे पे बहुत सुधाती है,